नमस्कार, अपना मैं मनीष बिहार वैशाली से। सो दोस्तों, YouTube की तरफ से जो है एक और गजब का अपडेट जो है आ गया है। इस अपडेट को आप लोग जान कर जो है खुशी से झूम उठिएगा। सो दोस्तों, इस अपडेट के आने के बाद जो है जिनका चैनल जो है ग्रो नहीं हो रहा है उनका चैनल भी जो है ग्रो होने लगेगा। जितने भी नए क्रिएटर का चैनल है उनका चैनल जो है ग्रो करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी इस अपडेट के बाद। सो दोस्तों, वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल और इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही डालू आपको नोटिफिकेशन मिले। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो जो है शुरू करते हैं। सो दोस्तों, YouTube ने पहले ही एक अपडेट लाया था जिसमें YouTube ने ये बताया था कि YouTube पे वीडियो अपलोड करते समय जो है थंबनेल जो है आपको तीन थंबनेल जो है आपको अपलोड करना पड़ेगा। जिससे होगा क्या कि वो तीनों थंबनेल जो है आपके व्यूअर के पास जो है सजेस्ट करेगा। जिस थंबनेल पे जो है क्लिक थ्रू रेट जो है अच्छा आएगा वो थंबनेल जो है YouTube का AI जो है आपको जो है रिकमेंड करेगा। देन जो है आप उस थंबनेल को जो है अपने वीडियो पे जो है सेट कर पाइएगा परमानेंटली। तो दोस्तों, अब बात करते हैं, अगर आप एक यूट्यूबर है और यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको तो पता ही होगा कि क्या क्या चीज़ जो है करना पड़ता है। पहले वीडियो अपलोड करते समय थंबनेल लगाना पड़ता है, टाइटल देना पड़ता है, डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है, टैग लगाना पड़ता है। इन सब सारे चीज़ों को जो है आप लोग अपने मन से लगा देते हैं या फिर डाल देते हैं, थंबनेल लगा देते हैं, लेकिन आपको कोई जो है बताने वाला नहीं होता है, कोई SEO करने वाला नहीं होता है कि कौन सा चीज़ कहाँ पे जो है लगाया जाए या फिर कौन सा चीज़ आपका सही है, आपका टाइटल सही है, आपका थंबनेल सही है, का डिस्क्रिप्शन सही है या आपका टैग सही है या नहीं। सो दोस्तों, इन सब चीज़ों के लेके जो है YouTube जो है बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो गया है। और पहले ही YouTube ने जो है एक अपडेट लाया था थंबनेल को लेके, वो तो मैंने अभी आपको बताया। और इसके ऊपर जो है एक डिटेल वीडियो भी हमने दिया हुआ है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देखिएगा ज़रूर। सो दोस्तों, अब ये अपडेट आया है कि अगर आप वीडियो अपलोड करेंगे और आप जो है टाइटल वाले सेक्शन पे जाएंगे तो जो है YouTube जो है तीन जो है टाइटल आपको जो है सजेस्ट करेगा। उस टाइटल में से जो भी आपको अच्छा लगेगा वो टाइटल आप अपने वीडियो में दे सकते हैं। सो दोस्तों, अगर और ये टाइटल कैसे आएगा, ये टाइटल जो है आपको कैसे सजेस्ट करेगा YouTube, जिस भी बारे में, जैसे कि मान लीजिए YouTube पे आप वीडियो डालते हैं तो वीडियो का थोड़ा जो है डिटेल आप डिस्क्रिप्शन में देते हैं, जिस भी बारे में वीडियो है बस उसी डिस्क्रिप्शन के बेस पे। और YouTube का AI YouTube पे जो है सबसे ज़्यादा जो भी कीवर्ड जो है सर्च किया जाता होगा वही कीवर्ड जो है आपको रिकमेंड करेगा। इससे क्या होगा कि नए चैनल का जो है, नए यूट्यूबर का जो है, या फिर जिनका चैनल जो है ग्रो नहीं हो रहा है उनका चैनल जो है ग्रो जो है होगा, आसानी से ग्रो होगा। और जो नए क्रिएटर है उनको जो है अपना चैनल जो है ग्रो करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगा। सो दोस्तों, अब बात करते हैं इसको यूज कैसे करना है। सो दोस्तों, पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि YouTube ने यह भी कहा है कि ये जो कीवर्ड्स YouTube जो है तीन सजेस्ट करेगा, इस कीवर्ड्स में यूट्यूबर को खुद से जो है ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कोई YouTube के कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ कोई कीवर्ड्स है तो उस चीज़ को वो ना लगाए ताकि उनके चैनल को जो है इफ़ेक्ट ना पहुँचे। क्योंकि YouTube ने कहा है कि ये कोई इंसान तो है नहीं, क्योंकि ये उसका जो है YouTube का AI है तो उससे भी जो है गलती हो सकता है। सोचो तो दोस्तों, ये चीज़ें जो है YouTube ने खुद बताया है कि ये प्रॉब्लम जो है कम्युनिटी गाइडलाइन वाला प्रॉब्लम या फिर कोई कीवर्ड्स गलती होता है वो यूट्यूबर्स को जो है खुद ध्यान में रखना होगा। सो दोस्तों, आई होप कि इस अपडेट के आने के बाद जो है जिनका चैनल जो है ग्रो नहीं हो रहा है वो बहुत ही आसानी से चैनल ग्रो कर पाएंगे, या फिर वो यूट्यूबर जो नए यूट्यूबर है जिन पर है जो अपना टाइटल जो है अच्छा खासा नहीं लगा पाते हैं उनका भी जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाला है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा, चैनल को भी जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।